रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक घंटे के लिए बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड से उतरने के बाद जब उनके पैर के पास एक सांप आ गया, सुरक्षाकर्मी सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने रोक दिया और कहने लगे कि सांप को मत मारना। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब छोटे थे तो इसे जेब में पकड़ कर घूमते थे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैन इंटरनेशनल स्कूल स्थित हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां वे उसलापुर पहुंचे और विशेष पूजा आराधना की। इससे पहले हेलीपैड में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक योजना और राजीव मितान क्लब श्रमिक सम्मान निधि के तहत हितग्राहियों को कुल 2,055 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। अभी तक 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में दिए गए हैं। सीएम बघेल ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह फाइनेंस पर भी एक बैंक ने कई राज्यों की फाइनेंशियल रिपोर्ट दी है, जिसमें महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसमें प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और कोई बात है? अरे पीटपीटी यार, कुछ नहीं, डरा मत, पीटपीटी है, पीटपीटी लड़ रहा था। चलो मत मारो, मत मारो, सावन है यार, सावन है। वैसे भी पीटपीटी नहीं मारा जाता, लेकर थैली धर के घुमा नहीं ला।